भी खुल जाएंगे। बिल्कुल। और मीनाक्षी, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो स्वामी जी से सवाल पूरा पूछना चाह रहे हैं। सब कुछ खुल जाएगा स्वामी जी, तो सवाल लेने का सिलसिला शुरू करते हैं, आपकी इजाजत हो तो। खुशबू मिश्रा हमारी एक दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रही हैं। सवाल ले लो आप। कि लंग्स में पानी भर गया है और ब्लूबीन भी 30 हो गया है, जुकाम रहता था और जी देखो ये डॉक्टर साहब को भी 30-40 साल से, कितने साल से था? 30-40 साल से, मतलब बचपन से था, 8-10 साल की उम्र में, 50 साल हो गए हुए तब से था जी। हाँ, उसको ठीक कर लिया। अब जिनका भी ये ब्लूबीन बढ़ जाए, SGOT SGPT बढ़ जाए, सबके लिए एक सिंपल उपाय बता देते हैं। जैसे हम लोग ये स्वासारी क्वाथ आदि बताते हैं अस्थमा के लिए, और ये दिव्य पेय बताते हैं। ऐसी क्वाथ है हमारा, उसका नाम है सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकॉल क्वाथ पी लें, और वीटग्रास एलोवेरा गिलोय, वीटग्रास एलोवेरा गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस और अरंड के पत्तों का रस, इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार ये रस पी लें, और सर्वकल्प क्वाथ उबाल करके पी लें। नहीं तो लिवोग्रिट लिवामृत मिलती है, उसी को ले लो, उसमें सारी औषधियाँ आ जाती है। और धीरे धीरे कपाल भाति करें, मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर रख लें, ठंडे गर्म पानी का सेक कर लें, ठंडे गर्म पानी मानी आइस का वाटर होता है, उसको पेट पर ऐसे लगा दिया, आइस के वाटर से को में कपड़े को भिगो करके ऐसे लगा दिया, फिर उसको चेंज किया ठंडे को, फिर गर्म गर्म पट्टी ऐसे लगा दी, और ये अभ्यास करें या मिट्टी पट्टियाँ लगा लें एकदम से, जो मैंने अभी उपाय बताए इनको करेंगे। और वैसे भी गाजर चुकंदर और अनार इसका जूस पी लें, सेव खा ले खाली पेट एकदम से, माने पूरा पाचन तंत्र से लेकर के ब्लूबीन से लेकर के SGOT SGPT से लेकर के पूरा लीवर फंक्शन 100% रेगुलराइज हो जाते हैं, ये एकदम आजमाई हुई बात है। जो स्वामी जी एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं आशीष कान्हेरकर जी, ये बोल रहे हैं कि ये पेशे से फोटोग्राफर हैं, काम की वजह से दिन भर बाहर रहते हैं, शाम तक उनकी एनर्जी लो हो जाती है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? ये तो कई लोगों की समस्या है, दिन भर काम करते हैं और शाम तक आते आते लगता है कि सारी एनर्जी चूस ली गई है। सूरज ने ट्रेन कर ली आज जी स्वामी जी, इसके लिए हमने एक इम्यूनो चार्ज बना रखा है, तो ये इम्यूनो चार्ज में सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, तो ये इम्यूनो चार्ज दो दो गोली सुबह शाम खा ले तो इम्यूनिटी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये तीनों जूस देते हैं हम लोग, आंवला एलोवेरा और गिलोय का ये जूस सुबह सुबह खाली पेट पी ले, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा है। आंवला एलोवेरा गिलोय का सुबह जूस दो दो चम्मच पी ले, या इम्यूनो चार्ज खा ले, या मात्र गिलोय का ही काढ़ा पी लें, एकदम से इम्यूनिटी बहुत हाई लेवल पर रहती है। या दूध में हल्दी सिलादी और च्यवनप्राश ये साथ में पी लिया तो इम्यूनिटी हाई रहेगी। 5-5 मिनट कपाल भाति अनुलोम विलोम कर ले। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मेरी वर्किंग रहती है, आज तक तो मैं थका नहीं और आगे 50 साल तक थकूंगा नहीं। बस तो हमें सबसे भी कहना चाहता हूँ एनर्जी चाहिए, एनर्जी है, बाहर की चीजें आपकी मदद कर सकती है। स्वामी जी ये तो दर्शकों के सवाल हुए और उनके जवाब आपने बताए कि किस तरीके से वो अपनी परेशानी से निजात पा सकते हैं। आज आप लंग्स को मजबूत बनाने वाले कौन से ऐसे दो खास पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें घर पर आसानी से लगाया जा सके? तो एक तो देखो ये बासा है, एक तो ये पीला बासा है, कांटे वाला बासा होता है, एक ये बिना कांटे वाला बासा होता है। बांसा, तुलसी और बनफसा ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब चीज़ें। तो हर घर में तुलसी होनी चाहिए, हर घर में बांसा होना चाहिए। तो तुलसी तो पहले हमने बताया ही था, आज तुलसी के साथ बांसा भी बता रहे हैं। तुलसी के 5-7 पत्ते मुंह में सुबह सुबह खाली पेट डाल लें, और ये बांसा जो है ये 2 तरह का बांसा है, एक काला है एक सफ़ेद बांसा है। तो ये काला बासा और ये सफ़ेद बासा ये ज़बरदस्त है, अपने घर में लगा के रखें इनको,
और इनके पत्ते सप्ताह में एक बार भी उबाल करके पी लिए तो 100 साल तक पूरे परिवार के फेफड़े अच्छे रहेंगे। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर साहब की तो एलर्जी अब ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे पेशेंट को भी यही कहता मैं कि अगर परमानेंट ठीक करनी हो। हाँ ठीक है, चालू है। मेरे बीमारों को भी मैं ये कहता हूँ, वो कहते बच्चों की माएँ आती हैं ज्यादातर, तो बोलते कि इसको बार बार हो जाती है डॉक्टर साहब, पड़ोस का बच्चा तो सब खा लेता आइसक्रीम और उसको कुछ नहीं होता, और मेरे बच्चे को हर महीने आपके पास लाना पड़ता है। तो मैं कहता भाई इसके दो इलाज हैं, अगर बार बार नहीं लाना हो तो। बोले क्या? मैं कह एक तो ये दवाई हमारी लेते रहो बराबर, जब तक लेते रहोगे ये ठीक रहेगा आपको, और एंटी एलर्जिक और इस तरह की। और दूसरा ये है कि तुम करोगे नहीं। बोले क्या बहुत महंगा है? मैंने कहा नहीं महंगा नहीं है पर मुश्किल है, करोगे नहीं? कि नहीं नहीं आप बताओ तो सही। तो मैंने कहा प्राणायाम करो। मेरे भी बहुत हो जाता था, हर महीने मेरे को सर्दी जुकाम होता था, दवाई खानी पड़ती थी। 50 साल परेशान रहे युधिष्ठिर जी, MBBS MD डॉक्टर है, इन्होंने प्राणायाम से अपनी एलर्जी पर पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ और मेरी ये एलर्जी ठीक हो गई है, और हमारे बच्चे भी जिन्होंने किया उनकी ठीक हुई, और जो मुश्किलें नहीं करते हैं उनके तो फिर दवाई लेते। अब देखो इधर आओ, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कफ कोल्ड तुमको, अब तुमको इधर आ जाओ, खत्म कर दिया, इधर आ जाओ। फिर भी अब एक उपाय बता रहा हूँ, ये रीठा है, ये रीठा लेट जाओ ऐसे, और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।